हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम्स किचन में आज बन रहे हैं गुड़ वाले मीठे चावल। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके गुड़ वाले चावल हमेशा ही हर बार बनेंगे बहुत ही टेस्टी डिलिशियस चावल बनेंगे। चावल बनेंगे सॉफ्ट और जूसी। और जैसा कि बहुत सारे लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि गुड़ वाले चावल में उनका जो चावल है वह कड़ा हो जाता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिए है 1 कप चावल, वजन में ये 200 ग्राम है। साथ में लिया है गुड़, देसी घी और 100 मिलीलीटर दूध। अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ले लें। मैंने लिया है बादाम और अखरोट और मसालों में छोटी इलायची, लौंग, तेजपत्ता और दालचीनी। पानी लिया है मैंने 600 मिलीलीटर। पानी की क्वांटिटी जितने चावल हों उससे डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1 कप चावल के लिए मैंने ले लिया 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। इस रेसिपी की सबसे पहली टिप है कि जो चावल हम ले रहे हैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से धोना है, पानी बदल बदल कर धोना है 3 से 4 बार, जब तक कि पानी ऑलमोस्ट क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल साफ पानी ना दिखने लगे। इससे होता क्या है, चावल के दानों पर कुछ होती है सरफेस स्टार्च, जो कि अगर आपने ठीक से नहीं साफ करी तो वह कुकिंग के बाद चावल को स्टिकी बना सकती है। चावल आपस में एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, गुई से हो जाते हैं। चावल को अच्छी तरह से धोने के बाद उसे फिर खुले पानी में आपने भिगोकर रख देना है आधे घंटे के लिए। यहाँ मैंने 1 कप चावल को अच्छी तरह से धोकर अब सोख करके रख दिया है, और जब तक ये सोख होता है तब तक मैं गुड़ और नट्स को रेडी कर लेती हूँ। अब गुड़ के साथ आती है हमारी नेक्स्ट टिप। अगर आपके पास पहले से ही घर में गुड़ पड़ा है जो कि आप इस्तेमाल करते रहे हैं, तो आपको तो पक्का पता है कि उसका टेस्ट कैसा है। उसका टेस्ट अच्छा ही होगा तभी आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप गुड़ का नया पैकेट खोल रहे हैं या फिर आपके पास किचन में गुड़ पड़ा हुआ है लेकिन बहुत पुराना हो गया है, तो इन दोनों ही केसेस में आप गुड़ को टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुड़ का नेचुरल फ्लेवर जो है वह है मीठा। अगर आपको गुड़ में मीठे के साथ में नमकीन का भी टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब गुड़ ठीक नहीं है। पुराना गुड़ नमकीन हो जाता है अगर बहुत पुराना हो जाए, और अगर गुड़ में बहुत ज़्यादा मिनरल सॉल्ट्स हों तो भी वह नमकीन हो जाता है। जब शुगर केन से गुड़ बनाया जाता है उस टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट की जाए तो गुड़ कड़वा हो सकता है। अपने गुड़ को चावल बनाने से पहले ज़रूर टेस्ट कर लें। अगर आपको उसके टेस्ट में कुछ गड़बड़ लगती है तो उससे चावल ना बनाएं, क्योंकि वे मीठे चावल तो नहीं बनेंगे, कुछ और ही बन जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी तीसरी टिप भी गुड़ के बारे में ही है। हार्ड गुड़ बढ़िया माना जाता है लेकिन उसे काटने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। उसके लिए मेरी टिप है कि आप गुड़ को माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए गर्म कर लें, 10 से 15 सेकंड जैसी रिक्वायरमेंट हो, और फिर गुड़ सॉफ्ट हो जाता है तो उसे आप चाकू से भी काट सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। अगर आपका गुड़ पहले से ही सॉफ्ट है तो फिर उसे माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा गुड़ हार्ड था तो मैंने उसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था, और अब देखिए मैं तो इसे हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर पा रही हूँ। इतना गुड़ वेट में लगभग 130 ग्राम के करीब है। यहाँ पर ये सारा गुड़ मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और अगर मैं इसको कप में डालूँ, बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं होती इस तरह से चॉप करने पर एक अंदाज़ा है कि ये 2/3 कप भर जाता है। अगर मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, और दूध से भी मिठास आती है, अगर मैं दूध ना डाल रही होती और सारा कुकिंग पानी से ही कर रही होती तो फिर मैं 3/4 कप गुड़ ले लेती, लगभग 150 ग्राम के करीब। आप अपने टेस्ट के अनुसार गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं मोटे तले का एक पैन मीडियम हीट पर गैस पर चढ़ा रही हूँ, और इसमें डाल रही हूँ 600 मिलीलीटर पानी। मैं पैन को ढकने के लिए जो ढक्कन ले रही हूँ उसमें एक्स्ट्रा भाप निकलने के लिए छेद बना हुआ है। यहाँ आती है हमारी नेक्स्ट टिप। जब आप पानी उबलने के लिए रख दें उसी टाइम आप अपने सोक्ड चावल में से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करें। बाई चांस अगर आपको चावल सोक किए हुए ज़्यादा देर हो गया है, 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो सोक्ड चावलों में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ज़्यादा टाइम सोक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको पहले ड्रेन कर लिया और आप रेडी नहीं हैं उसे पानी में डालने के लिए, तो फिर आपका चावल ब्रिटल हो सकता है, टूट सकता है। ऐसा चावल जब कुक होगा तो उसके टूटने का चांस बढ़ जाता है। चावल सोक करने से हमें 2 फायदे होते हैं। पहला तो थोड़ी बहुत स्टार्च भी पानी के साथ निकल जाती है जब चावल सोक्ड रहते हैं, और दूसरा हमारा चावल अच्छा फूलता है, खासकर अगर हम बासमती चावल बना रहे हों तो वह सोक करने पर अच्छा फूल जाता है।
मैं इन चावलों को छान लूंगी और यहाँ पानी भी अच्छा गर्म हो गया है, जल्दी ही उबल जाएगा। इसमें मैं डाल देती हूँ छने हुए चावल। इसमें डालूंगी एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, दो छोटी इलायची। इलायची को हल्का सा कूट के डालूंगी ताकि उसकी सीड्स चावल में बाहर ना निकले लेकिन फ्लेवर स्ट्रांग हो जाए, और साथ में दो दाने लौंग के और एक तेज पत्ता। इन सबको मिलाऊंगी अच्छे से और ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन के लिए या तो आप ऐसा छेद वाला ढक्कन लें जिसमें से एक्स्ट्रा स्टीम निकल सके, या फिर ढक्कन को बिल्कुल अच्छी तरह से फिट करके ना लगाएं, थोड़ा सा इस पार्शियली कवर करें ताकि साइड से एक्स्ट्रा स्टीम निकल सके। ऐसा करने से यह उबल कर बाहर को नहीं गिरेगा। यहाँ हमने अभी चावलों को पूरा कम्प्लीटली कुक नहीं करना है, जब ऑलमोस्ट 90-95% रेडी होंगे उतना कुक करना है। 4 मिनट हुए हैं, अभी ढक्कन उतार के चावल को चेक करती हूँ। अगर उंगलियों के बीच में चावल को प्रेस करें तो अभी ना तो ये कच्चे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं। 90-95% कुक हो जाएं तो वही टाइम है जब हमें चावलों में से एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन कर लेना है। अब यहाँ पर आती है नेक्स्ट टिप। चावल को छलनी में डालते ही आप साथ के साथ गुड़ का काम भी चालू कर दें। हमारे गुड़ राइस जूसी बने उसके लिए हमें चावलों को इतना ही ड्रेन करना है कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हम नहीं चाहते कि वे चावल ठंडे हो जाएं या फिर सूख जाएं। गुड़ मेल्ट करने के लिए मैं यहाँ पर नॉनस्टिक पैन हीट पर रख रही हूँ, मीडियम हीट पर, और इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को मैंने पहले माइक्रोवेव में पिघला लिया है ताकि मैं 2 बड़े चम्मच नाप कर आराम से डाल सकूँ। घी को करूँगी स्प्रेड। घी गर्म होने पर डालूंगी 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची कुटी हुई और 2 लौंग के दाने, और इन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लूँगी। ध्यान रहे मैंने खड़े मसाले चावल में भी डाले थे तो वहाँ भी इसका फ्लेवर आ चुका है। अब हीट को कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में और इसमें डाल दूंगी गुड़। गुड़ को घी के साथ करूंगी मिक्स। इस स्टेज के लिए 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स। पहला कि गुड़ का काम आपने तभी करना है जब आपका बाकी सारा काम रेडी हो। आपने जो नट्स कट करने हैं वो रेडी रखिए, दूध रेडी रखिए। ये ना हो कि आपका गुड़ मेल्ट हो जाए और तब आप फ्रिज से दूध निकालने के लिए जा रहे हैं। आपके सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हों, मेजर्ड हों और आपके हाथ की रीच में हों। मैं इंग्रेडिएंट्स में नारियल नहीं डाल रही, पर इस रेसिपी में नारियल भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है, तो अगर आप वह डालना चाहते हैं तो वह भी पतला पतला कटा हुआ रेडी हो। गुड़ मेल्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है कि इस स्टेप पर हीट को आप तेज़ मत करिएगा। या तो गुड़ को लो पर मेल्ट करिए या लो मीडियम पर भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन तेज़ हीट पर नहीं। तेज़ पर किया तो गुड़ जल सकता है और उससे चावल का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। गुड़ के बड़े पीसेस हैं, उनको साथ साथ ऐसे दबाते रहेंगे तो इवनली मेल्ट हो जाएगा गुड़। ये देखिए कितना बढ़िया सा मेल्ट हुआ है, सुंदर सा कलर आ रहा है और इस टाइम मेरे किचन में बहुत ही बढ़िया स्मेल है। हमने गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, ना ही उबालना है, ना ही कोई चाशनी बनानी है, और इसके मेल्ट होते ही इसमें जल्दी से डाल देंगे अपने चावल। हीट अभी भी लो और मीडियम के बीच में ही है। चावलों को मैं गुड़ के साथ कर दूंगी मिक्स, हल्के हाथ से मिक्स करना है, और इसमें अब डाल दूंगी हमारे कटे हुए नट्स। नट्स को मिक्स कर फिर इसमें डाल दूंगी दूध। दूध ठंडा है। इस सबको करूंगी अच्छी तरह से मिक्स और अब ढक्कन लगा दूंगी। अब ढक्कन ऐसा लगाना है जो प्रॉपरली फिट हो जाए ताकि जो भी स्टीम अंदर बने वह अंदर ही बनी रहे और चावलों को कुक करे। मैं बीच बीच में ढक्कन उतार कर चावलों को टॉस करती रहूंगी और आपको यह तब दिखाऊंगी जब ये चावल ऑलमोस्ट होने वाले होंगे। 5 मिनट हुए हैं और अब अगर हम ढक्कन उतार कर देखें तो बहुत हल्का सा आपको कहीं मॉइस्चर दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा सा दूध दिखाई देगा। अभी हमें चावलों को फ्राई करना है, तो फ्राइंग के लिए आती है हमारी नेक्स्ट टिप। अगर आपने चावल पकने के कुछ देर बाद सर्व करने हैं तो इनको उस स्टेज तक ही फ्राई करें जब ये थोड़े से मॉइस्ट हों, थोड़े से गीले गीले हों, और उसे ढक्कन लगा कर छोड़ दें तो वे अपनी स्टीम में ही जूसी बने रहते हैं। अगर आपने चावल बनाने के एकदम बाद ही सर्व करना है तो इतना ही फ्राई करें कि इसका जो लिक्विड है, एक्स्ट्रा लिक्विड, वह बस तभी ड्राई हो और उसी टाइम आप सर्व कर दें तो हमारे चावल जूसी रहेंगे। आप जिस पैन में चावल बना रहे हैं उसे गर्म गैस स्टोव से भी हटा दें ताकि नीचे से चावल लगे नहीं। सर्व करने से पहले जो खड़े मसाले डाले थे उन्हें याद से निकाल लें। इस रेसिपी में क्योंकि हमने दूध डाला है तो ये चावल बहुत ही जूसी बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इन चावलों को आप बनाएं तीज त्यौहार पर या फिर अपने रोज़मर्रा में विंटर्स में मीठे में खाने के लिए।
फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने जो भी टिप्स बताए हैं, अगर आप इनके अनुसार अपने मीठे चावल बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत डिलिशियस बनेंगे और बिल्कुल भी कड़े नहीं होंगे। चावल बहुत सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें और अपनी प्लेलिस्ट्स में ऐड करें। अगर आपने पूनम्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन याद से दबाएँ, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।